फाइनली हमारा जो जूम है और जो लेंस है एक राम जी के द्वारा ओपन हुआ है और एक जाना के माध्यम से ये हमारे राम जी हैं जो डीओपी हैं चेन्नई से हैं और यही शूट करने जा रहे हैं और ये बाकी की टीम है जो यहाँ पर आज गुरु पूर्णिमा पे श्याम जी के छत्र छाया में ये ओपनिंग हुई है। तो फाइनली हमने अनबॉक्सिंग कर चुके हैं और आपके सामने है सिरवी के जुपिटर प्राइम लेंस, जैसे ही इंडिया में पहली बार आया और पहला डिलीवरी एलेक्समन प्रोडक्शन में। और क्योंकि अगर हम सिरवी की बात करें कि हमने लिए क्यों हैं, तो दो कारण थे। फर्स्ट, फंडिंग हमारे पास में इतना नहीं था और पहले तो हम ये सोच रहे थे कि प्रोजेक्ट बनाना तो रेंट पे लेकर आ जाते हैं, और फिर दूसरी बार ये हुआ कि सेकंड हैंड ले लेते हैं। तो सेकंड हैंड के बजट और रेंट के बजट को हमने मिक्सअप किया और हमने ये देखा कि यार क्या बेस्ट हैं। तो अशोक जी हैं हमारे, अशोक जी विश्वकर्मा डीओपी, और उनका स्टूडियो भी है और काफ़ी चीज़ों के ऊपर वो होमवर्क करते रहते हैं कि क्या नई चीज़ आई है, क्या बेस्ट है। तो हमें सिरवी के लेंस का बारे में पता चला और हम उसके वेबसाइट पे गए, देखा तो मतलब फॉरेन में इसकी कॉस्ट था और वो इंडिया आते आते कॉस्ट बढ़ जाती है, तो उसके बारे में भी हमने समझा। तो यहाँ पर आपको 24, 35, 50 और 28, 85 का लेंस किट मिलेगा। ये चार की किट हैं, वैसे दूसरे पे अगर हम जाते हैं तो वहाँ से चार से ज़्यादा ही किट होती है। तो ये हमने लिया किस कैमरे के लिए, तो वो हमने लिया है रेड ड्रैगन कैमरा, क्योंकि इसे हम जनवरी में परचेस कर चुके थे, बट ये था कि हम लेंस पे नहीं जा पा रहे थे क्योंकि उस समय में कॉस्ट ये था CP3 लें, तो CP3 की जो रेंज थी वो 14 से 15 लाख रुपए की थी और इतना फंडिंग हम गए लगाना भी नहीं था और था भी नहीं। तो प्रोडक्शन ने उसका बीच का हिस्सा निकाला कि भैया ऐसा क्या है, क्योंकि किट अभी अगर हम इसकी एक छोटे छोटे से पार्ट्स भी लेने जाएंगे तो बहुत महंगे होने वाले हैं। तो इसका रिव्यू भी बहुत अच्छा मुझे मिला और जो मार्केट प्राइस है वो 6,80,000 रुपये है। फिर क्या करा कि हमने सिरवी के जो मेन डीलर थे केतन जी, उनको ढूंढा, उनके नंबर को ढूंढा और नंबर मिलने के बाद में हमने उनसे कांटेक्ट किए। मतलब सिरवी के लेंस थे वो हमको मात्र मिल गए 6,50,000 रुपये में। और बाकी की ये है कि आउटस्टैंडिंग क्वालिटी है, इसका शूट हमने कर चुके हैं, जो अभी हमारी स्लैम बुक द अमेजिंग चैप्टर वेब सीरीज शूट हो रही है, इसके बाद में इंदौरी बवाल है, फिर उसके बाद में दो चार और प्रोजेक्ट हैं, दूसरे भी प्रोडक्शन के प्रोजेक्ट चल रहे हैं हमारे पास में। साथ में इस लेंस को आप सिरवी का ही एडोप्टर भी है जिसमें आप सोनी के कैमरे में भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसकी क्वालिटी आउटस्टैंडिंग होगी। और अगर हम इसके एडोप्टर की बात करें तो इसमें एडोप्टर जो है इस तरीके से पैक आता है और ये हमने जो लिया है समथिंग 15,000 से 20,000 रुपए का एडोप्टर ही है। तो ये एडोप्टर, ये PL माउंट है और ये ई माउंट है, तो ई माउंट लग जाएगा सोनी के कैमरे में और यहाँ पर हम लगा सकते हैं ये वाला लेंस, जिससे आपकी क्वालिटी को और बिल्डअप मिल सकता है। जैसे कि क्या होता है कि इसकी फुटेज बहुत हाई होती है, तो बहुत सारे इसको प्रीफर नहीं करते हैं कि भैया इतना बड़ा डालेंगे कहाँ, बहुत सारे यूट्यूब के लिए बनाते हैं वीडियो या फिर कोई OTT प्लेटफॉर्म पे बनाते हैं तो वो इतनी अच्छे से सेलिंग नहीं हो पाती। तो इसी का हम है, क्योंकि एलेक्सन प्रोडक्शन क्या है, पहले कास्टिंग वर्क करता था,
अब कास्टिंग के साथ में खुद के प्रोजेक्ट लेकर आ गया है, फिल्म मेकिंग का काम कर रहा है, साथ में इंस्टीट्यूट भी ओपन कर दिया है क्योंकि यहाँ पर एक्टिंग और फिल्म मेकिंग सभी के कोर्स वगैरह सिखाए जा रहे हैं। और कोर्स के साथ में सबसे बड़ी चीज़ है कि प्लेसमेंट की गारंटी, और गारंटी के साथ में आपको एक और चीज़ मिल रही है कि आप पर्दे के आगे एज ए एक्टर काम कर सकते हैं और पर्दे के पीछे एज ए टीम मेंबर, जो फिल्म मेकिंग का काम कर रहे हैं वो फिल्म मेकिंग के साथ में कास्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि कास्टिंग में हमारे यहाँ पर इनकम ऑफ सोर्स आउटस्टैंडिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ पर मंथ के आप 2 लाख रुपए तक अर्निंग कर सकते हैं। और ये लेंस अगर आपको परचेस करना है तो एलेक्सविन प्रोडक्शन के नंबर भी हैं, आप यहाँ से इंक्वायरी ले सकते हैं। 6,80,000 रुपये का है, पर समथिंग समथिंग आपको पड़ेगा वो 6,50,000 के समथिंग, क्योंकि हमारे पास में डीलर है और वही डीलर के नंबर आपको मिल जाएंगे। क्योंकि आप एलेक्सविन प्रोडक्शन को सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और इसका जो है बिहाइंड सीन हम दिखाएंगे, मतलब इसकी क्वालिटी हम बाद में दिखाएंगे, पर अभी हम आपको इस फुटेज में बिहाइंड सीन दिखाने जा रहे हैं क्योंकि किस तरीके से हमने सुरुई के लेंस का यूज़ किया। क्योंकि सब अभी आप देखेंगे कि 2500 का जूम लेंस होता है, पर अभी हमारे पास में जो है सुरुई का ये जो है 2885 का लेंस है, तो अभी क्या है कि किट इस तरीके से फुलफिल हो जाती है। और एक फिल्म मेकर जो है, और जो नए फिल्म मेकर बनना चाहते हैं या फिर खुद डीओपी या फिर खुद के इक्विपमेंट परचेस करना चाहते हैं, तो मैं बोलूँगा कि सुरुई पे जाएं, सस्ते हैं, सुंदर हैं और इतनी कॉस्ट भी नहीं है, और आप बहुत सारी इक्विपमेंट वगैरह कर सकते हैं जो आप CP3 पर जाके कॉस्ट को बढ़ाना नहीं चाहते हैं, तो वो कॉस्ट को यहाँ पर घटाकर बहुत अच्छे लेंस आपको मिल जाएंगे। और वैसे मैं बहुत बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी भी खुशी बहुत है क्योंकि ऐसे लेंस कहीं मिलते नहीं हैं। वो तो अच्छा है कि हमने थोड़ा सा रुक कर इस लेंस पे गए, नहीं तो हम सेकेंड हैंड ले लेते तो क्या होता है कि अधिकांश उसमें फंगस वगैरह आ जाती है या फिर लेंस चेंज कर लेते हैं, तो सेकेंड हैंड में बहुत रिस्क है। और नए में अगर हम CP3 पे जाते हैं तो वहाँ पर भी ज़्यादा वो है कि कॉस्ट ज़्यादा बढ़ रही है, तो उसी कॉस्ट को बचाने के लिए, क्योंकि ये जो है बहुत पुराना ब्रांड है सुरुई का और उन्होंने इतने अच्छे लेंस निकाले हैं, एनामॉर्फिक लेंस है भी हैं यहाँ पर, और हमने तो जुपिटर लेंस लिए हैं क्योंकि एनामॉर्फिक पे हम बाद में जाएंगे, तो सब लें, अच्छे हैं। और इसके बारे में अगर कुछ डिटेल्स वगैरह चाहिए तो मैं कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा डायरेक्टली डीलर के, तो आप मुंबई में डायरेक्टली कॉल करके एलेक्सविन प्रोडक्शन का रेफरेंस देंगे तो आपको वो कॉस्ट कम में देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तब तक बेस्ट ऑफ लक, गो फॉर इट, थैंक यू।